कि मुझको चाहत कभी नहीं है आसमान के तारों की, मुझको चाहत कभी नहीं है आसमान के तारों की, बेशर्म हवा के रुख पर चलते सत्ता के दरबारों की, मैं भूषण की सिंह गर्जना खुद की ताकत रखता हूं वंदे मातरम होठों पर और दिल में भारत रखता हूं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, क्या बात है, वाह। और मैं इटावा से आया हूं, उत्तर प्रदेश से आया हूं, लखनऊ में एक घटना कुछ दिन पहले हुई थी, मैं यहां से बात प्रारंभ करता हूं और वहां तक पहुंचाऊंगा जहां का आदेश आदरणीय नमन जी ने दिया है। स्वागत है। रामचरित मानस, आज आपने बहुत संस्कृति की बात की, कैसे हमें सुरक्षित रखना है, बचाना है, हमें संस्कार देने वाली जो सबसे पूज्य धार्मिक पुस्तक हमारी है श्री रामचरित मानस, वो जला दी गई थी, फाड़ दी गई थी लखनऊ में। मैंने उस दिन ही लिखा, उस दिन ही जवाब दिया। यदि आपके मन का भी हो, आप भी दिल्ली में बैठकर वही कहना चाह रहे थे जो मैंने कहा है, तो फिर सबके हाथ खुलें कि नशा जो तेरे सर पर है वो सारा झाड़ दिया होता। नशा जो तेरे सर पर है वो सारा झाड़ दिया होता, तेरी छाती पर चढ़ करके खूंटा गाड़ दिया होता, और प्रभु राम की मर्यादा को लांघ नहीं सकते वरना मानस के फटने से पहले तुझको फाड़ दिया होता। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। मानस के फटने से पहले तुझको फाड़ दिया होता। एक चुनाव क्या हार गई एक पार्टी अयोध्या में, लोग तरह तरह की बातें करने लगे इस देश में कि अयोध्या ये है, अयोध्या वो है। अभी तक जो विपक्षी बताते थे कि फैजाबाद लोकसभा है, चुनाव जीतने के बाद कह रहे हैं नहीं, अयोध्या है। और मैं तो बाबा जी से कहता हूं, बाबा जी, प्रभु राम ने एक संकेत आपको दिया है, चुनाव नहीं हराया, आपने सबके नाम बदले हैं, अब की बार ये भी नाम बदल दो और फैजाबाद की तरह अयोध्या कर दो, आप पुनः जीत जाओगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। और प्रभु राम के सामने तो रोड़े त्रेता में भी अटकाए, आज भी लोग अटका रहे हैं, असली दिक्कत कहां से है? मैं यहां ये चार पंक्तियां पढ़ता हूं, कुछ भी कर लेना लेकिन अयोध्या का परिणाम सदा यही रहा और हर युग में यही रहेगा कि कितनी चालें चले मंथरा कौशलपुर में विघटन की, कितनी चालें चले मंथरा कौशलपुर में विघटन की, कहके ही कितनी आस लगाए सिंहासन परिवर्तन की, भले आसुरी शक्ति लगे उनको निर्वासित करने में, पूरा जोर लगाए राघव को अपमानित करने में, किंतु समय का पहिया घूमेगा ये सूरत बदलेगी, जो भटके लोगों के मन में बसी है मूरत बदलेगी, अरे अखिल विश्व में जयकारा उस पुण्य धाम का ही होगा, और अवधपुरी में राज तिलक तो श्री राम का। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, वाह। और लखनऊ की बात की है, बाबूजी बैठे हैं तो मुझे लगता है कि दिल्ली की भी बात कर लूं, और इसलिए कर लूं कि इस देश में जब देश की सबसे बड़ी पंचायत में ये शपथ ली जा रही थी कि इस देश की एकता अखंडता को अक्षुण रखना है, उस समय भारत माता की जय या भारत की जय बोलने के बजाय लोग फिलिस्तीन की जय बोलने लगे। और इटावा से आया हूं, जिम्मेदारी इसलिए बढ़ती है क्योंकि भारत में एकमात्र जिला है जिससे 9 लोग 7 लोकसभा में और 2 राज्यसभा में एक ही जिले से बैठे हुए हैं, वो नहीं बोल पाए तब मुझे बोलना पड़ रहा है कि जिन लोगों को रोटी कपड़ा रहने को हमने छत दी, जिन लोगों को रोटी कपड़ा रहने को हमने छत दी, जिन पर प्यार लुटाया अपना, दौलत के संग शोहरत दी, उनकी आंखें नम दिखती हैं आतंकी की अर्थी पर। हमास का समर्थन करोगे भारत में रहकर कि उनकी आंखें नम दिखती हैं आतंकी की अर्थी पर और कहते हैं दम घुटता है हिंदुस्तानी धरती पर, अरे जिसके दिल में भारत माता का बिल्कुल सम्मान नहीं वो जाहिल शैतान सरीखा हो सकता इंसान नहीं। वाह वाह वाह, वो जाहिल शैतान सरीखा हो सकता इंसान नहीं जो भारत में खुद को बाबर की संतान समझते हैं, दिल्ली में भी इस्लामाबादी मेहमान समझते हैं, चांद सितारे वाले झंडे थामे छोड़ तिरंगा को, नाम निजामे दिया मुस्तफा हर जेहादी दंगा को, अरे है हमीद के बेटे भाई उनसे कोई वैर नहीं पर अफजल की औलादों की भारत में खैर नहीं। क्या बात है, वाह
भाई बहुत बढ़िया भैया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली में इतनी कम तालियां इस बात पर मिल बजेंगी कि पर भारत में अफजल की औलादों की खैर नहीं, एहसान फरामोशों सुन लो। ये भाषा मैं बोलना नहीं चाहता था, बहुत कहा गया इस देश में सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, बिल्कुल है, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ ये चार पंक्तियां, जब लोग फिलिस्तीन की जय बोलने लगे देश की सबसे बड़ी पंचायत में, तो मुझे लगता है कि इस तरह की भाषा बोलने का समय आ गया। अरे एहसान फरामोशो सुन लो, हमने ही कुर्बानी दी। एहसान फरामोशो सुन लो, मेरी अगर बात ठीक हो तो आगे से पीछे तक सब लोग मोहर लगाना कि एहसान फरामोशो सुन लो, हमने ही कुर्बानी दी, तुमको गले लगाया 47 में नई कहानी दी। अरे कह सकते थे पर भारत भगवा परिवेश नहीं बोला, हुआ धर्म पर बंटवारा पर हिंदू देश नहीं बोला। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह बहुत बढ़िया, वाह। ये है हमारा कलेजा, ये है हमारा 56 इंची सीना, कि हुआ धर्म पर बंटवारा पर हिंदू देश नहीं बोला, लेकिन अब हम जाग चुके हैं, वार नहीं सह सकते हैं, अपनी पीठ पे जेहादी तलवार नहीं सह सकते हैं, गजवाए हिंद के मंसूबे अपने जहनों से दूर करो, ना हमको अब उंगली टेढ़ी करने पर मजबूर करो, भारत में रह करके पाकिस्तानी चाल चलोगे तुम तो फिर जन्नत की हूरों से जाकर रोज मिलोगे तुम, तो फिर जन्नत की हूरों से जाकर रोज मिलोगे तुम। बीत गए हैं दिन दिल्ली में अय्याशी मेहमानी के, इसी दिल्ली ने वो दृश्य भी देखा है कि जिसने टीवी पर यह स्वीकार किया कि हाँ मैंने 40 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों की हत्या की है, उस आदमी को प्रधानमंत्री निवास में सम्मान भी मिला। बीत गए हैं दिन दिल्ली में अय्याशी मेहमानी के, चाम छलकते हुए साथ में चिकन और बिरयानी के, अरे दिल्ली की गद्दी पर बदले हुए नजारे बैठे हैं, चाचा चाची विदा हो गए बाप तुम्हारे बैठे, चाचा चाची विदा, जिंदाबाद भैया, वाह, बाप तुम्हारे बैठे हैं। और अंतिम ये चार पंक्तियां पढ़ता हूं, उसके बाद 4 मिनट की एक छोटी सी कविता आपके बीच, के हाथ जोड़कर राम खड़े थे, दिल्ली में आया हूं तो सरकार से यही कहना चाहता हूं, बहुत हाथ जोड़ने की भाषा बोल ली इन लोगों के सामने, हाथ जोड़ने की भाषा तो प्रभु राम की नहीं समझी गई, जब सागर से 3 दिन तक हाथ जोड़े तो सागर ने रास्ता नहीं दिया, हम तो मनुष्य हैं, तब ये कहना चाहता हूं कि हाथ जोड़कर राम खड़े थे तो सागर इतराया था, हाथ जोड़कर राम खड़े थे तो सागर इतराया था, धनु पर पहुंचा हाथ देख घुटनों तक झुक कर आया था, अरे हनुमान को ताकत उनकी याद दिलानी पड़ती है, और रावण की लंका में घुसकर आग लगानी पड़ती। वाह 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 भाई बहुत अच्छे, जिंदाबाद, जय श्री रावण की लंका में घुसकर आग लगानी पड़ती है। आइए, मैं समय की कीमत भी समझ रहा हूँ, स्वागत, और मुझे वो कविता तो जरूर पढ़नी है जो नमन जी ने आदेश दिया, इसलिए मैं सीधे सीधे वही कविता पढ़ता हूँ। एक वृद्धाश्रम पर मैंने कविता लिखी, मैं पहले सोचता था कि ये जो होते हैं या तो धार्मिक नगरी में होते हैं या बड़े शहरों में होते हैं, लेकिन मैं एक छोटे से जिले से आया हूँ, उसके आसपास जब छोटे छोटे गांवों में खुलने लगे तो मुझे लगा कि अब तो इस पर कुछ लिखना चाहिए, और ऐसा लिखना चाहिए, ये कविता नहीं, ये एक आंदोलन है जो मैं पूरे देश में लेके घूम रहा हूँ, आपका समर्थन मिलेगा, आशीष मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं सीधे सीधे कविता प्रारंभ करता हूँ, कि जिसको नाजों से पाला हर सुख सुविधा का ध्यान रखा, थोड़ी सी आपकी चेतना मुझे मिले, कि जिसको नाजों से पाला हर सुख सुविधा का ध्यान रखा, चाहे बेटा बेटी हो दोनों को एक समान रखा, भरी ऊर्जा तन झोंका ऊंची उड़ान की पाखों में, देखा अपना सुखद भविष्य उनके सपनों की आंखों में, लेकिन चीर कलेजा उनका सारी आशा टूट गई, एक झटके में स्वप्न महल भी टूटा, किस्मत फूट गई, आत्महत्या खुद कर डाली बीती स्वर्णिम यादों ने, जिस दिन बाहर किया पिता को शर्महीन औलादों ने, जिस दिन बाहर किया पिता को शर्महीन औलादों ने, मात पिता के सीने पर यह पत्थर देकर बैठी हैं, संबंधों की जली चिता के फेरे लेकर बैठी हैं,
मात पिता के सीने पर यह पत्थर देकर बैठी हैं, संबंधों की जली चिता के फेरे लेकर बैठी हैं। अरे उंगली थामी खड़ा किया, पैरों पर चलना सिखा दिया, उल्टा तुमने उनको कालिख मलना सिखा दिया। यही देखने को क्या कांधे पर बाजार घुमाया था, कथा हवन उपवासों से देवों को खूब मनाया था। अरे दर दर तेरे सुख को मांगी, मन्नत को ठुकरा बैठे, जाने किसके आकर्षण में जन्नत को ठुकरा बैठे। क्या बात, जाने किसके आकर्षण में जन्नत को ठुकरा बैठे, जाने किसके आकर्षण में जन्नत को ठुकरा बैठे। गम का पर्वत सह लेते पर कष्ट नहीं ढोने देते, संतानों के सर में भी वे दर्द नहीं होने देते। खुद गीले में काटी रातें सूखा बिस्तर दिया तुम्हें, सुख की धरती सौंपी है, खुशियों का अंबर दिया तुम्हें। ऐसा प्रेम समर्पण तुमने जाने कैसे दबा लिया, कुल की सारी मर्यादा को चॉकलेट सा चबा लिया। क्या बात है, क्या बात है। वहां मैं एक वृद्ध आश्रम में गया था, तो वहां से लौटने के बाद जो मुझे सबसे बड़ा कारण पता चला, उस कारण के बाद जो मेरी आंखों में गुस्सा था वो इन पंक्तियों में आ गया। अब मैं आपकी तालियां आशीर्वाद के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं। मुझे बुजुर्गों ने बताया कि हमारी औलादें ये कहती हैं कि ये जो घर की देरी पर बुजुर्ग बैठ जाते हैं, ये हमारी आज़ादी छीन लेते हैं, बहुत टोका टाकी करते हैं, कहाँ जा रहे हो, कब आओगे। तो जिनके माँ बाप वृद्धाश्रम में हैं और उनकी आज़ादी छीनी है, जो बच्चे घर पर हैं, उनके लिए मैंने दो पंक्तियां गुस्से में लिखी हैं। आपकी तालियां उनके कान के नीचे थप्पड़ की तरह महसूस होनी चाहिए कि कुल की सारी मर्यादा को चॉकलेट सा चबा लिया, कुल की सारी मर्यादा को चॉकलेट सा चबा लिया। अरे जिनसे डरकर आजादी छिनने की गली कहानी है, उनका लहू रगों में दौड़ा तब ये मिली जवानी। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। वाह, उनका लहू रगों में दौड़ा तब ये मिली जवानी है, करना जग में नाम था रोशन, गर्व से शीश उठाना था, इज्जत आज उतारी उनकी जिनका कर्ज चुकाना था। कुछ बात, एक संस्कृति इस देश में चल गई लिव इन वाली, ये हमारी परंपरा तो नहीं है, ये हमारी संस्कृति तो नहीं है। उस रिश्ते को क्या कहा जाता है देशी भाषा में, मैं इस मंच से नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन सलीके से बता दूं तो आपके फिर आंख खुले। मैं फिर एक टिप्पणी करता हूं, जो औलादें अपने माँ बाप की बात नहीं मानती हैं, वो दिल्ली में आकर फ्रिज के अंदर 32 टुकड़ों में बंद हो जाती हैं। क्या बात है, सही बात है। और फिर भी जो लोग ना समझे हों, तो एक बात ध्यान रखना, जो औलादें अपने माँ बाप की बात नहीं मानती हैं और परिवार के जब संस्कार बिगड़ते हैं, तो आप घर के बाहर रामायण लिखवा लें, अपने बेटों के नाम लवकुश रख लें, फिर भी आपके घर में दामाद जहीर आएगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह। इसलिए संस्कारों की ज्यादा आवश्यकता है कि करना जग में नाम था रोशन, गर्व से शीश उठाना था, इज्जत आज उतारी उनकी, क्या है ये लिव इन वाला रिश्ता, कि इज्जत आज उतारी उनकी जिनका कर चुकाना था। कुछ बासंती ऋतुएं देखी खुद को बड़ा समझ बैठे, घर की देहरी लांघी अपने पैरों खड़ा समझ बैठे, बेशर्मों को अब तो मीठे शरबत खारी लगते हैं, बेबस और लाचार पिता के बोल भी आरी लगते हैं, अरे परिवारों के संस्कार भी पहरेदारी लगते हैं, माँ की ममता पर जिस्मानी रिश्ते भारी लगते हैं। माँ की ममता पर बेगैरत की पट्टी इन आँखों पर खुद आ जाती है, तन पर चढ़ती क्रूर हवस मर्यादा को खा जाती है। कुल कलंक बनने से पहले थोड़ा ध्यान दिया होता, जिसने जीवन दिया तुम्हें उस पर अभिमान किया होता, पर संसार दिखाने वाले को ही अंधा बना दिया, उसके निश्चल प्रेम को भी बाजारू धंधा बना दिया। याद रहे दुनिया में तेरा कोई ढाल नहीं होगा, उनके आंसू सूखेंगे जीवन खुशहाल नहीं होगा, उनके आंसू सूखेंगे। एक कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, एक दृश्य आप लोगों ने और देखा होगा, एक विधायक की बेटी टीवी चैनल पर बैठ गई थी प्रेम विवाह करके। माफ करिए, इस देश का संविधान आपको इजाजत देता है प्रेम विवाह करिए, लेकिन इस देश का संविधान किसी भी नालायक औलाद को यह अधिकार नहीं देता है कि टीवी चैनल पर बैठकर अपने बाप की पगड़ी उछाल ली जाए। 4 दिन तक इस देश की मीडिया ने हमें ज्ञान दिया था, उस प्रेम विवाह के पक्ष में तर्क दिए गए थे। मैंने उस दिन भी कहा कि हमको जो उपदेश दे रहे पहले भारत को जाने,
हमको जो उपदेश दे रहे पहले भारत को जाने, मानस गीता रची गई उस देव धरा को पहचाने। अरे काम विजेता बने देखकर उसी चित्र को पूजा है, सतयुग से लेकर अब तक ऊंचे चरित्र को पूजा है। अरे श्रवण कुमारो जैसे अंगड़ित नाम पूजने वाले हैं, लैला मजनू नहीं पूजते राम पूजने वाले हैं। लैला मजनू नहीं पूजते राम पूजने वाले हैं। और अंतिम चार पंक्तियां इस कविता की पढ़ता हूं जिनके लिए मैंने पूरी कविता आपको सुनाई। ये मेरी पंक्तियां मैंने लिखी हैं लेकिन प्रेरणा बाऊ जी की है। ये जगह जगह जाकर बताते हैं। और सबसे अनुरोध, राष्ट्रीय कवि संगम का जो उद्देश्य है राष्ट्र जागरण धर्म हमारा, उसमें इन चार पंक्तियां आपके बीच रखता हूं बाऊ जी की प्रेरणा से। मुझे जो लगता है अपने परिवार को, अपनी संस्कृति को, इस देश को बचाना, इस देश के संस्कारों को बचाना है, तो फिर जो आपके पास एक उपाय बचता है मेरी नज़र में, मैं पढ़ता हूं। अगर आप लोग सहमत हो तो फिर एक बार आगे से पीछे तक सब लोग अपने आशीर्वाद के साथ मुझे विदा कर देना। मंच का भी आशीष चाहता हूं इन अंतिम पंक्तियों पर कि माता और पिताओं से इसलिए निवेदन है मेरा, बाऊजी आपको समर्पित करता हूँ, आपके चरणों में रखता हूँ ये पंक्तियाँ कि माता और पिताओं से इसलिए निवेदन है मेरा, जागरूक हर एक आदमी से आवेदन है मेरा, हद से ज्यादा खुली छूट मत दो प्यारी संतानों को, सरा बोर हो पश्चिम के रंग में कुचले अरमानों को, पौराणिक इतिहास बताओ संस्कार भी सिखलाओ, हर बेटे को उसकी अपनी लक्ष्मण रेखा बतलाओ, अरे संपूर्ण धरा के कुल गौरव का स्वाभिमान लागू कर दो, घर घर रामचरितमानस का संविधान लागू कर दो।